गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम .NET फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट ने .NET फ्रेमवर्क विकसित किया। और ये होता क्या है .NET फ्रेमवर्क? ये एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, दोनों तरह के सॉफ्टवेयर, जो हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो भी और वेब एप्लीकेशन भी। डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम vb.net में बनाएंगे और वेब एप्लीकेशन asp.net में बनाएंगे। .NET फ्रेमवर्क का निर्माण एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया गया था जो विंडोज प्लेटफॉर्म पर चलेंगे। .NET फ्रेमवर्क का पहला संस्करण वर्ष 2002 में जारी किया गया था। .NET फ्रेमवर्क का उपयोग फॉर्म बेस्ड एंड वेब बेस्ड दोनों एप्लीकेशंस को बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसा कि मैंने बताया, फॉर्म बेस्ड और वेब बेस्ड। फॉर्म बेस्ड मतलब जो अपन vb.net में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएंगे, इसके उदाहरण हो सकते हैं जैसे कैलकुलेटर, कैलेंडर, ठीक है, नोटपैड, एमएस ऑफिस, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहलाएंगे, वो हम vb.net की हेल्प से बना सकते हैं। वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट्स, जिनको चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, वो भी हम asp.net की हेल्प से बना सकते हैं। अब जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, जो वेब बेस्ड फॉर्म बेस्ड है और vb.net में बनाएंगे, उनको हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। उनकी सारी फाइल्स है वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होगी, सेटअप, और फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ वेब बेस्ड जो कि vb.net में बनाए जाएंगे, जिनको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी, उनके लिए हमें कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट्स है, उनको हम ब्राउज़र के अंदर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें है वो अलग अलग उद्देश्य के लिए बनाई गई है और अपने अपने स्थान पर दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। .NET फ्रेमवर्क का उपयोग करके वेब सेवाएँ भी विकसित की जा सकती हैं। .NET फ्रेमवर्क विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे विजुअल बेसिक एंड सी शार्प का समर्थन करता है। ठीक है, तो विजुअल बेसिक में भी आप इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो, सी शार्प में भी कर सकते हो। तो डेवलपर्स आवश्यक एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए भाषा का चयन कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खूबी हो गई, इसका एक फीचर हो गया कि इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का हमारे पास ऑप्शन है। जिस भी लैंग्वेज में प्रोग्रामर है वो फेमिलियर है, उसका यूज इसमें कर सकता है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है जैसे जावा है, तो जावा के अंदर आपको जावा यूज करनी है, आप कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं कर सकते। तो .NET फ्रेमवर्क का आपसे कोई फ़ायदा पूछे, लाभ पूछे, बेनिफिट क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका मतलब हमें प्रोग्रामर को एक सुविधा मिल जाती है कि हम मल्टीपल खूब सारी लैंग्वेजेज है, उनमें से कोई सी भी लैंग्वेज है जिसमें हम फेमिलियर है उसको हम यूज कर सकते हैं। .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर, तो .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है। सबसे ऊपर जो रहती है वो लैंग्वेजेज रहती है, जिसमें हम विंडोज़ फॉर्म्स बनाते हैं, उसमें vb.net, विजुअल बेसिक, सी शार्प, कोई सी भी लैंग्वेज काम में ले सकते हैं। asp.net होती है और ado.net होती है। asp.net में हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, ado.net होती है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए काम में आती है। तो पहली लेयर होती है, उसमें लैंग्वेजेस होती है, और लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास खूब सारी लैंग्वेजेस है, उनमें से कोई भी लैंग्वेज हमारी सुविधा के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद में उसके नीचे एक लेयर आती है, वो होती है लाइब्रेरी, जिसके अंदर फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी होती है। तो इसमें लाइब्रेरी में क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेज है उनकी सबकी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल रहती है। ठीक है, लाइब्रेरीज अवेलेबल होना ज़रूरी है, तभी तो वो लैंग्वेज सपोर्ट करेगी। इसलिए जितनी भी लैंग्वेज का हमारे पास ऑप्शन है, सबकी
फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी भी हमारे पास अवेलेबल रहती है। उसके बाद में उसके नीचे एक लेयर होती है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम में क्या होता है कि ऊपर की जो दो लेयर्स हैं उनमें क्या होता है कि पूरा सिस्टम अलग अलग होता है। जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उसका सिस्टम चलेगा। आपने सी शार्प लैंग्वेज काम में ली तो सी शार्प की फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी काम में आएगी। लेकिन जैसे कॉमन लैंग्वेज रन टाइम वाली लेयर पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है कि इस लेयर में ऊपर आपने चाहे कोई सी भी लैंग्वेज काम में लियो लेकिन नीचे इसके बाद में जो कोड ट्रांसफ़र होगा नीचे की लेयर में वो कोड है वो सेम होगा। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सी लैंग्वेज काम में ली है। ठीक है, तो इसके नीचे की जो लेयर्स हैं जहाँ एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सी लैंग्वेज काम में ली है, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है वो सभी लैंग्वेजेस के लिए एक कॉमन कोड है वो एज आउटपुट जनरेट करेगा। अब डॉट नेट के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डॉट नेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर चाहे कोई सी भी लैंग्वेज काम में लो इसके अंदर से जब निकलती है फिल्टर होके तो कोड है वो सेम ही जनरेट होता है। तो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम को शॉर्ट में बोलते हैं CLR और कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं CLI। तो CLI जो है हमारा कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर वो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर डॉट नेट प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाते हैं। अब CLI कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है अपवाद हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अपवाद जो एरर्स होती है वो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होने पर होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि अपवाद मतलब एक्सेप्शन होता क्या है। ठीक है, जैसे कॉमनली अपन रियल लाइफ में एग्जांपल लें, ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए सब बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं और सब बच्चों के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं। वहीं पर एक बच्चा ऐसा निकलता है जो 99% मार्क्स ले आता है तो हम बोलते हैं ये तो अपवाद है, ये तो एक्सेप्शन है। ये ऐसे मान लीजिए कि सब बच्चों के ऐसे मार्क्स आ रहे हैं और एक बच्चा फेल हो जाता है, बिल्कुल ही 0 नंबर ला रहा है, तो वो भी एक्सेप्शन हो गया। तो कुछ अलग होता है जब नॉर्मली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग होता है, वो अपवाद हो जाता है। प्रोग्रामिंग में अपवाद का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने एक प्रोग्राम लिखा उसमें C=A/B लिखा, ठीक है, ए में बी का भाग देंगे। तो यूजर है वो रन कर रहा है सॉफ्टवेयर को, हर बार जैसे कैलकुलेटर आ गया अपना और कैलकुलेटर को यूज कर रहा है। अब वो हर बार ए में बी से डिवाइड करेगा और उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर उसने ए को 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा? तो किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा इन्फाइनाइट, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फाइनाइट हम तो समझते हैं इन्फाइनाइट का मतलब ऐसी कोई वैल्यू जिसको हम लिख ही नहीं सकते। तो कंप्यूटर है उसको तो एक डेफिनेट वैल्यू चाहिए, वो कैसे समझेगा? तो अगर ऐसा कंप्यूटर के साथ हो जाता है तो कंप्यूटर क्या वहाँ पर हैंग हो जाएगा, तो वो एक्सेप्शन हो गया कंप्यूटर के लिए। अब देखिए ये इसको हम एरर ही बोल रहे हैं, एप्लीकेशन को जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम के एरर्स। ठीक है, तो एक्सेप्शन भी अपने आप में क्या एरर ही है ना। एरर का मतलब जो सॉफ्टवेयर को अपना जो रूटीन वर्क है उसका काम करने से रोकती है। अब देखिए दो तरह की एरर्स होती है, कंपाइल टाइम एरर और रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर होती है जो ग्रामेटिकल जो आपने मिस्टेक की है प्रोग्राम लिखने में, कोई त्रुटि की है ग्रामेटिकल, वो होता है।
ठीक है, कहीं पर कुछ सेमी कोलन मिसिंग कर दिया, कहीं ब्रैकेट मिस कर दिया, कहीं एक्स्ट्रा लगा दिया, कहीं है सिंबल मिस कर दिया, कहीं कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल, कहीं स्पेस कर दिया, कहीं स्पेस नहीं किया, तो ये सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है वो कंपाइल टाइम पर पकड़ में आ जाती है। जबकि रन टाइम जो एरर्स होती है वो क्या होता है, कंपाइल टाइम पर पकड़ में नहीं आती है, क्योंकि सी इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी है, ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई भी गलती नहीं है, तो वो कंपाइल टाइम पर कोई गलती बताएगा नहीं। लेकिन इसमें गलत कब होगा, जब यूजर इनपुट देगा, यूजर ने इनपुट गलत दे दिया, उसने जीरो से डिवाइड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन यूजर को तो नहीं पता ये चीज़, तो वो रन टाइम पर एरर आएगी। इसलिए एक्सेप्शन को हम बोलते हैं रन टाइम एरर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद में एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब चलो एक्सेप्शन तो आ रहा है, अब ये तो नहीं कर सकते कि यूजर को हम लिख के देंगे कि आप डिवाइड से जीरो से डिवाइड मत कर देना कभी, या ऐसी गलती मत कर देना। जीरो से डिवाइड करना एक एग्जांपल, उसके अलावा भी हो सकता है कि आप कोई फाइल ऐसी सर्च कर रहे हो जो आपकी डेटाबेस में है नहीं, ऐसी फाइल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो जो फाइल डिलीट हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे खूब सारे एग्जांपल है। जैसे स्लिप करने के लिए हम कमांड लगाते हैं, तो वो भी एक प्रोसेसर को रिक्वेस्ट होती है, अगर प्रोसेसर नहीं मानता तो उसमें एक्सेप्शन आ सकता है, खूब सारे एग्जाम्पल है एक्सेप्शन के। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमें कुछ कोड लिखना होता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं आपको लाइव एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन को कैसे कैलकुलेटर में हैंडल किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मैं एक हमारे जो विंडोज़ में कैलकुलेटर आता है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं मान लीजिए 7 है, उसको डिवाइड कर दिया 6 से, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1.16, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली ये आउटपुट जनरेट करता रहेगा, लेकिन यहीं पर मैंने एक नंबर लिया और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 0 से, ठीक है, अब इक्वल टू क्या आएगा। अब देखिए इसमें लिखा आ रहा है कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, इसमें इन्फाइनाइट नहीं लिखा रहा है, क्योंकि इन्फाइनाइट तो इंसान समझता है, वो एक सिंबल है इन्फिनिटी का, एक सिंबल हमने बता दिया कि हम ऐसा नंबर जो इतना बड़ा है कि हम उसको लिख नहीं सकते, इसलिए हमने इस सिंबल का प्रयोग किया है। लेकिन कंप्यूटर है उसमें हमें इस एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए एक्सेप्शन को हैंडल करते टाइम हमने क्या किया कि हम यूजर को एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कर देंगे कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, ठीक है, तो यूजर समझ जाएगा कि जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, इसको प्रोग्रामिंग में कैसे हैंडल करेंगे, उसका कोड कैसे लिखेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय जीरो हो गया। दूसरा एग्जांपल है कि यदि कोई एप्लीकेशन स्थानीय मशीन पर फाइल खोलने का प्रयास करता है लेकिन फाइल मौजूद ही नहीं है, ठीक है, ऐसी फाइल को ओपन करने का कोशिश कर रहा जो मौजूद ही नहीं है, उसको डिलीट कर चुके हैं, तो वो भी एक एक्सेप्शन होता है। या फिर एप्लीकेशन किसी डेटाबेस से कुछ रिकॉर्ड लाने का प्रयास कर रहा है लेकिन डेटाबेस से कनेक्शन मान्य नहीं है, ठीक है, हम कनेक्शन हमारा हुआ ही नहीं है तो हम कहाँ से फेच करेंगे जानकारी, तो वो भी एक एक्सेप्शन है। तो इस तरह के और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं। एक दूसरी चीज़ आती है इसमें, गार्बेज कलेक्शन, ठीक है। अब गार्बेज क्या होता है, गार्बेज मतलब कचरा, कचरा मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है, उसको हम कचरा बोलते हैं, ठीक है, काम की कोई चीज़ है उसको हम कचरा नहीं बोलेंगे, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे काम की नहीं है उसको कचरा बोलते हैं। तो हमारे रियल लाइफ में तो हम जानते हैं कचरा क्या होता है। अब कंप्यूटर के अंदर कचरे से क्या मतलब है आपका, ठीक है, कंप्यूटर में कचरे से ये मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको काम में लेनी थी उस टाइम आप काम में ले चुके हैं, अब उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने एक मूवी डाउनलोड की या एक गाना डाउनलोड किया और आपको जब उसकी ज़रूरत थी, आपने प्ले किया, उसको देख लिया या सुन लिया, और अब वो पुराना हो चुका है और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, नई इच्छा है उसको देखने की सुनने की,
तो आपके लिए क्या है, वो कचरा है एक उस कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क में स्पेस ले रहा है आपका, नुकसान कर रहा है, दूसरा डेटा स्टोर कर सकते हो उसकी जगह, तो आपके लिए वो एक कचरा है। तो उस कचरे को आप कलेक्ट कैसे करोगे, तो उसको डिलीट करोगे तो वो डस्टबिन में चला जाएगा, ठीक है, रिसाइकिल बिन में चले जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। नॉर्मली अपन डस्टबिन में फेंकते हैं, यहाँ पर रिसाइकिल बिन होती है। रिसाइकिल बिन इसलिए नाम होता है क्योंकि उसे रिसाइकिल भी होती है, कई बार गलती से अगर डिलीट हो गया है तो आप रिसाइकिल बिन में जाओगे और वहाँ से रिस्टोर कर सकते हो वापस, इसलिए उसको रिसाइकिल बिन भी कहते हैं। जैसे अपने रियल लाइफ में भी कुछ कचरा है उसको रिसाइकिल करते हैं हम, प्लास्टिक है, कागज़ है, ऐसी चीज़ों को रिसाइकिल करते हैं। तो कचरा संग्रहण गार्बेज कलेक्शन क्या होता है कि एक प्रोग्राम चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर चल रहा है और उसके अंदर ऐसी मेमोरी लोकेशंस जिन पर कुछ डेटा हमने स्टोर किया था और अब वो हमारे काम का नहीं है, तो उस डेटा को हमें हटाना होता है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। अब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जैसे सी, सी प्लस प्लस, उनमें गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली नहीं होता है, जबकि वीबी डॉट नेट, जावा में गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता है। सी और सी प्लस प्लस में आप देख सकते हैं कैसे नहीं होता है। आपने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, ठीक है, और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, और आप डायरेक्टली क्या करोगे, उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहोगे। तो अगर आपने कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए, आप बताइए, कुछ है ही नहीं उसमें वैल्यू, तो बाय डिफ़ॉल्ट या तो जीरो होनी चाहिए या कुछ वैल्यू नहीं है, नल है तो उसका कुछ मैसेज आ सकता है। लेकिन आप सी सी प्लस प्लस में देखोगे कि कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें प्रिंट होती है रेंडमली, कुछ भी वैल्यू आती है उसमें, 48, 97, कुछ भी आ जाएगा। तो वो वैल्यू क्या है, वो ऐसी वैल्यू है कि आपने तो उस वेरिएबल को जिस लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पर स्टोर किया है, आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस लोकेशन पर पुरानी वैल्यू पड़ी हुई है जब आपने पहले कोई प्रोग्राम चलाया होगा, तो उस वैल्यू को वो डिस्प्ले कर देता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, डॉट नेट में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, उसमें जैसे काम उसमें ज़रूरत नहीं है उसको हटा दिया जाता है, इसलिए पुरानी वैल्यू आपको डिस्प्ले नहीं होगी। तो ये होता है गार्बेज कलेक्शन। इसके उदाहरण कुछ हैं, एक फाइल हैंडल जो अब आवश्यक नहीं है, यदि एप्लीकेशन ने फाइल पर सभी परिचालन समाप्त कर दिए हैं तो फाइल हैंडल की आवश्यकता नहीं हो सकती है। डेटाबेस कनेक्शन अब आवश्यक नहीं है, यदि डेटाबेस एप्लीकेशन ने डेटाबेस पर सभी परिचालन समाप्त कर दिया तो डेटाबेस कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, ठीक है, हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया और जो भी हमें काम करना था, एक्सेस करना था, अपलोड करना था, डाउनलोड करना था डेटाबेस में, वो कर दिया, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं वापस। अब देखिए गार्बेज कलेक्शन की ज़रूरत क्यों हो रही है, क्या हो रहा है कि हमें रैम के अंदर क्या होता है, स्पेस फ्री करना पड़ता है, क्योंकि रैम तो हमारी लिमिटेड है, 2 GB 4 GB, अगर हम उसमें डेटा पड़ा रहेगा उसके अंदर और हम गार्बेज कलेक्शन नहीं करेंगे तो वो फुल हो जाएगी, तो हमारे नए एप्लीकेशन है, नई फाइल्स है, उनको हम रन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम जो काम में नहीं आता उनको डिलीट करते जाते हैं, चाहे वो रैम हो चाहे हार्ड डिस्क, क्योंकि स्पेस तो हर जगह लिमिटेड है ना, आपकी हार्ड डिस्क का वो भी 500 GB की आपने मूवीज़ वगैरह गाने वगैरह उसमें स्टोर कर रखे हैं तो वो भी फुल हो जाती है। जैसे आपका मोबाइल है उसकी मेमोरी फुल होती है, आपने आपके सबके साथ दिक्कत आती होगी ऐसी, तो आप फिर ढूंढते हो ऐसी फाइल्स जो अब काम की नहीं है तो उनको आप जाके डिलीट करते हो, या उसमें भी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन आता है आजकल, कुछ क्लीनर वगैरह ऐसे नाम है उनका, वो क्या करते हैं टेम्प्रेरी फाइल्स, केस में जो फाइल्स है जो काम की नहीं है उनको ऑटोमेटिकली हटा देते हैं, डुप्लीकेट फाइल्स को हटा देते हैं, और हम मैनुअली भी ऐसी जो चीज़ें अब हमारे काम की नहीं है उनको हटा सकते हैं, तो वो भी क्या है गार्बेज कलेक्शन है। वर्किंग विथ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, जैसा कि पहले के खंड में उल्लेख किया गया है, एक डेवलपर विभिन्न नेट प्रोग्रामिंग भाषाओं में एक एप्लीकेशन विकसित कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास प्रोग्रामर के पास, डेवलपर के पास क्या ऑप्शन है, खूब सारी लैंग्वेजेज है, जिसमें भी फेमिलियर फील करता है वो लैंग्वेज काम में ले सकता है। जो पहला स्तर हमने देखा था वो प्रोग्रामिंग भाषा ही है और सबसे आम वीबी डॉट नेट और सी शार्प है। कंपाइलर क्या होता है,
आपने कंपाइलर का नाम सुना होगा, जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनते हो तो कंपाइलर का नाम सुनते हो, ठीक है। कंपाइलर बनाया कंपाइल करने से। अब कंपाइल क्या होता है, कंपाइल का मतलब कोई भी हम काम कर रहे हैं उसको व्यवस्थित करना। आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, और क्लास के अंदर टीचर है, उसने फास्ट फास्ट आपको लिखवाया, तो आपके नोट्स अच्छे से नहीं बने, तो आप घर पर जाके उनको कंपाइल कर रहे हो, मतलब उनको व्यवस्थित कर रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, उसको रफ से फेयर में कर रहे हो, ठीक है। तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, किसी भी चीज़ को, वो होता है कंपाइल करना। कंपाइलर जैसे प्ले खेलना और प्लेयर मतलब खेलने वाला, तो कंपाइल करने वाला। तो एक कंपाइलर है जो प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा के लिए अलग होता है, ठीक है। हर एक प्रोग्रामिंग भाषा में कंपाइलर होता ही है और सबके लिए अलग अलग होता है, सीधी सी बात है। तो VB.NET के अंदर एक अलग VB.NET कंपाइलर होता है। अब कंपाइलर को हिंदी में बोलते हैं संकलन करना, ठीक है। इसी तरह C# के लिए एक अलग कंपाइलर होता है। मैंने बताया जैसे ऊपर की लेयर्स है वो अलग अलग है, तो जिस टाइप की आप प्रोग्रामिंग भाषा काम में लोगे उसी टाइप का कंपाइलर काम में आएगा। और कंपाइलर क्या करता है, जो ग्रामेटिकल जो एरर्स है उनको फाइंड आउट करता है। अब सामान्य भाषा इंटरप्रीटर क्या होता है, .NET की जो अंतिम जो परत है जिसका उपयोग किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा में विकसित एक .NET प्रोग्राम चलाने के लिए किया जाएगा, तो बाद वाला कंपाइलर प्रोग्राम को .NET एप्लीकेशन चलाने के लिए कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर परत पर भेज देगा। अब इंटरप्रीटर भी क्या होता है, कंपाइलर की तरह होता है, ये भी एरर्स का पता लगाता है। इंटरप्रीटर और कंपाइलर में डिफरेंस देखिए इतना होता है, कंपाइलर क्या करता है, आपने 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा तो पूरे प्रोग्राम को चेक करेगा और फिर लास्ट में बता देगा कि आपकी इस लाइन में एरर है, इसमें है, पहली में है, पाँचवीं में, दसवीं में, ठीक है, 45वीं लाइन में, जिस जिस लाइन में एरर है और क्या क्या एरर है वो बता देगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली लाइन में एरर आ गई तो फिर आगे चलेगा ही नहीं, वो पूरा चलेगा। लेकिन इंटरप्रीटर क्या करता है, जैसे ही एरर आती है उसी लाइन में रुक जाता है वो, कि भाई पहले इस एरर को आप ठीक करो तभी मैं आगे स्कैन करूँगा, ठीक है। तो पहली एरर में, पहली लाइन में एरर आई तो पहली पर ही बता दिया एरर इंटरप्रीटर ने, ये एरर है उसको ठीक करो तभी आगे जाएगा। फिर पाँचवीं पर आ गई तो वहाँ अटक गया, तो इंटरप्रीटर क्या करता है, लाइन बाई लाइन स्कैन करता है, और कंपाइलर करता है वो एक साथ स्कैन कर देता है पूरे प्रोग्राम को। ये ही दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों का एक ही काम है, एरर्स का पता लगाना। और एरर्स कैसी होगी, ग्रामेटिकल जो एरर्स है। अब जैसा कि हमने .NET का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें देखा, फ्रेमवर्क, पहली जो लेयर थी उसमें क्या थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज, ठीक है। तो कॉमनली जो यूज करते हैं हम वो VB.NET और C#, ये पहली लेयर होगी। दूसरी में क्या थी, क्लास लाइब्रेरीज थी उन लैंग्वेजेस की। तो अगर आप VB.NET काम में ले रहे हो तो किसकी क्लास लाइब्रेरी रहेगी, VB.NET की, तो कंपाइलर किसका रहेगा, VB.NET का। अगर आपने C# लिया है तो C# का कंपाइलर रहेगा और C# लैंग्वेज की क्लास लाइब्रेरी रहेगी, ठीक है। ये आप उनके कॉलम्स में यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, VB.NET के नीचे लेवल 2 में VB.NET कंपाइलर है, C# के नीचे C# कंपाइलर। फिर जो तीसरी लेयर आती है उसमें क्या होता है, कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रीटर आ जाता है, जैसे मैंने बताया आपको। अब क्या होता है, आपने कोई सी भी लैंग्वेज ऊपर काम ली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज इंटरप्रीटर काम में करता है। अब क्लास लाइब्रेरीज क्या होती है, .NET फ्रेमवर्क में स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरीज का एक सेट शामिल है। एक क्लास लाइब्रेरी मेथड्स और फंक्शंस का एक संग्रह है जिसका मुख्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो क्लास लाइब्रेरीज में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है इनमें, जैसा हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, हमारा हम प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को लिख के सेव किया जाता है और उनकी फाइल का नेम होता है। तो जैसे कि हम C++ में हैस इंक्लूड लिखते हैं, जावा में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे अलग अलग लैंग्वेज में तरीके हैं उनको फाइल्स को इंक्लूड करने का, क्योंकि वो बिल्ट इन प्रोग्राम्स हैं, उनमें कुछ फैसिलिटीज़ हमें दे रखी है, तो हम उन फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लास लाइब्रेरी बोलते हैं।
अब क्लास लाइब्रेरी में होता क्या है, प्रोग्राम्स ही होते हैं, तो प्रोग्राम में क्या होते हैं, मेथड्स या उनको फंक्शंस भी बोल सकते हैं आप। उदाहरण के लिए सभी फाइल स्तरीय संचालन को संभालने के लिए मेथड्स के साथ एक क्लास लाइब्रेरी है। तो एक मेथड जिसका उपयोग फाइल से टेक्स्ट को पढ़ने के लिए किया जा सकता है, इसी प्रकार फाइल में टेक्स्ट लिखने का एक मेथड है। ठीक है, तो अलग अलग मेथड है, फाइल से टेक्स्ट को पढ़ना है तो रीड मेथड हो गया, और लिखना है तो राइट हो गया। ठीक है, अब उनके नाम है वो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग लिख देते हैं। लैंग्वेज .NET फ्रेमवर्क में बनाए जा सकने वाले एप्लीकेशंस के प्रकार को व्यापक रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है विंडोज फॉर्म्स, इसका उपयोग फॉरम आधारित अनुपयोगों एप्लीकेशंस के विकास के लिए किया जाता है जो अंतिम उपयोगकर्ता एंड यूजर मशीन पर चलेंगे। नोटपैड क्लाइंट आधारित एप्लीकेशन का एक उदाहरण है। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, तो विंडोज फॉर्म्स या जिनको हम एंड यूजर बोलेंगे या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलेंगे, इसमें नोटपैड हो गया, जैसे कि अभी हमने इसी वीडियो में देखा कैलकुलेटर हो गया, कैलेंडर हो गया, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको चलाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे पास हम सेटअप में लेके आएंगे, वो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, सीडी में ला सकते हैं, पेन ड्राइव में ला सकते हैं, और वो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेंगे। अब उस कंप्यूटर को आप कहीं भी चला सकते हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं एंड यूजर एप्लीकेशंस, या उनको बोलते हैं क्लाइंट आधारित एप्लीकेशंस या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। ठीक, कुछ भी नाम हो सकता है इनका, अलग अलग नाम दे रखे हैं। ये तो विंडोज़ फॉर्म्स हो गए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब आते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो ASP.NET है, उसका हम उपयोग करते हैं वेब बेस्ड, वेब आधारित एप्लीकेशंस को विकास करने के लिए। और ये कहाँ पर चलते हैं, ब्राउजर में। ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स, किसी भी ब्राउजर में आप इनको चला सकते हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन और विंडोज एप्लीकेशन दोनों के अपने लाभ भी है, नुकसान भी है। विंडोज एप्लीकेशंस में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उसका सेटअप लेके आना पड़ेगा। वहीं पर वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, उसमें सेटअप की ज़रूरत नहीं है, पर उसको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। वेब एप्लीकेशंस को सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है जिसमें इंटरनेट सूचना सेवा स्थापित की जाती है। ठीक है, अब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में क्या, हमारे पास ही है उसका कोड, वहीं पर सारा काम हो रहा है, हमारे कंप्यूटर में हम इनपुट दे रहे हैं और वहीं से आउटपुट जनरेट हो रहा है। जैसे कैलकुलेटर में देखा हमने, मैंने इनपुट दिया, 8 को डिवाइड किया 0 से, तो मैंने इनपुट दिया और इंटरनेट से मेरा कनेक्टेड नहीं है, और मेरे कंप्यूटर से वहीं से उस सॉफ्टवेयर में से आउटपुट निकल रहा है प्रोसेस होके। तो प्रोसेसिंग भी एंड यूजर मशीन पर ही हो रही है, लेकिन वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में ऐसा नहीं होता है। वेब बेस्ड में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है वो सर्वर पर होती है। जैसे आप फेसबुक यूज करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक आपको देखना है कि आपके दोस्तों ने क्या अपडेट किया, आपके दोस्त का वीडियो आ रहा है, फोटो आ रहा है, तो क्या वो वीडियो फोटो आपके कंप्यूटर में सेव है क्या, नहीं है आपके कंप्यूटर में, वो कहाँ से आ रहा है, सर्वर से। तो सर्वर क्या करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में जो भी रेस्पॉन्स यूजर को चाहिए होता है वो यूजर की मशीन पर इंटरनेट के थ्रू सेंड कर देता है। IIS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक माइक्रोसॉफ्ट घटक है जिसका प्रयोग ASP.NET एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। तो ASP.NET का जो एप्लीकेशन है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एक, उसका उपयोग किया जाता है। अब इसकी जगह दूसरी कंपनीज के जो प्रोडक्ट है उनको भी आप यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन का परिणाम है वो क्लाइंट मशीन को भेजा जाता है, और आउटपुट है वो ब्राउजर में दिखाया जाता है, क्योंकि क्लाइंट मशीन पर जो रेस्पॉन्स जाता है वो किस फॉर्मेट जाता है, HTML फाइल में जाता है, और HTML फाइल कहाँ रन होती है, ब्राउजर के ऊपर रन होती है। ADO.NET का उपयोग है वो ओरेकल या माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जैसे डेटाबेस से इंटरेक्ट करने के लिए एप्लीकेशंस को विकसित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया ADO.NET का मतलब आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है तो ADO.NET काम में लेंगे।
.NET फ्रेमवर्क डिजाइन सिद्धांत। .NET फ्रेमवर्क के निम्नलिखित डिजाइन सिद्धांत यह है कि नेट आधारित अनुप्रयोग को बनाने के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम .NET फ्रेमवर्क का जो डिजाइन सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी में और इंग्लिश साथ में यूज करके जो नॉर्मली हम रियल लाइफ में लैंग्वेज काम में लेते हैं उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है या आपके कुछ सुझाव है तो आप का स्वागत है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।